आ जाएगी, बोले तुम यहाँ का मुख्यमंत्री बनो, हम वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा। दोनों ने समझौता करे लाएगा। अच्छा। क्या मिलीजुली सरकार लग रही है? मिलीजुली सरकार, यो कांग्रेस को साफ करने के लिए इसको लाएंगे यहाँ आगे। क्या कांग्रेस में खतरा है? मैं कांग्रेस को साफ करी ऐसे पंजाब में साफ करी, अब गुजरात के अंदर कांग्रेस को साफ करने का प्लान है। इनका प्लान वही है, मिलीजुली दोनों, मिलीजुली सरकार ही है। चाचा जी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे हमें, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, अब जो एटीएम उसके अंदर मशीन के अंदर गड़बड़ी चल रही है और तो कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, थोड़ा इधर देखेंगे क्या मशीन में गड़बड़ी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, पब्लिक तो तकलीफ में जाएगी, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई है, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, बस कौम बात के ऊपर बात हो रही है, हिंदू मुसलमान और कोई बात हो नहीं रही है। क्या हम तो काम काज, बीजेपी कह रही है हम काम काज में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो बोले, बोलने का कहा पैसा लगता है। पब्लिक को जो पूछा के पूछो क्या स्कैन फेवर में कोई बोलता है, वो मीडिया बताता नहीं है क्या, हालांकि लोग तो परेशान ही है। महंगाई बताइए आप, हम बताएंगे किसको नहीं नड़ती, महंगाई किसको नहीं नड़ती, हजार रुपए डब्बे, लाइट का फर्क पड़ रहा हूँ, हजार रुपए डब्बे के अंदर बढ़ गए, गैस के सिलेंडर के अंदर 500-600 रुपए चढ़ गए, ये किसको नहीं नड़ते। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि हमारी, आपने सिलेंडर की बात करी तो कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर हमारी सरकार आती है तो 1100 सिलेंडर आपका 500 रुपए पे ले आएंगे। तो बोलने का कहाँ पैसा लगता है, ऐसा तो मोदी ने भी कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसके खाते में 15 लाख रुपए इंतजार है, लॉकडाउन में इंतजार है चाचा, 15 लाख का इंतजार है। इंतजार क्या, हमको तो हमारे बल के ऊपर जीने का है, कोई भी आवे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो मेहनत करके खाने का है। ये देखो इनको पूछो कितनी तकलीफ है यहाँ, उनसे तो हम बात कर ही रहे थे, उनसे हमने बात करी, लेकिन बीजेपी सरकार तो लगातार दावा कह रही है गुजरात मॉडल आधार स्टेट है। मैं तुमको कुछ भी बोलूंगा, मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, तो उससे थोड़ी कोई हो जाता है, बोलने से थोड़ी कुछ होता है, करने से होता है। पब्लिक को दिख रहा है क्या हो रहा है, जब अगर वो ट्रंप आया था तो उस जगह सब झोपड़पट्टी के ऊपर दीवाला बनाई थी, क्या जरूरत थी, जब विकास तुमने करा है तो दीवाला बनाने की क्या जरूरत है रिवर फ्रंट के ऊपर। सूरज पड़ रहा है कैमरे पर। हाँ, बताइए। कह रहा हूँ जब ये सब झोपड़पट्टी छुपाने की क्या जरूरत है, सब यहाँ के सुखी आदमी ने तो कोई को तकलीफ नहीं है तो। अच्छा, अभी बीजेपी सरकार का मैं मैनिफेस्ट देख रहा था जो इस बार वादे किए, वो कह रहे 20 लाख रोजगार देंगे और इलाज भी मुफ्त देंगे, शिक्षा मुफ्त देंगे, ये सब बात आएगी, सब निजीकरण करने की बात है, सब इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं सब बेचने की बात है, लोगों को पहले लाभ देते हैं ना फिर उसका, जैसे जियो वाला ने शुरू में 49 रुपये में रिचार्ज दिया, अभी 720 रुपया कर दिया, निचली सब कंपनियों को फिर मार डाले सब, इनका भी प्लान है। निजीकरण से लोगों को फायदा होता है, क्या फायदा होता है, नुकसान होता है। अच्छा, आप ये 5 लाख रुपए का कार्ड दिया, करोड़ के कार्ड बंद कर देंगे तो फिर लोगों प्राइवेट पे जाएंगे, उसको लोग आज सब बंद कर रहे हैं, सरकारी उसको बंद कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कौन ठीक लग रहा है फिर आपको? कोई भी नहीं, हमारे लिए तो सब बरोबर, सब वादे कर देंगे। अच्छा, क्या वादे कर देंगे, लेकिन इतना है कि कांग्रेस के राज के अंदर जो बसा हुआ था ये इन्होंने 10 साल के अंदर बेच के निवरा करा। अच्छा, कांग्रेस अभी ये भी कांग्रेस ये भी कह रही है कि हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख तक इलाज मुफ्त देंगे, 10 लाख बोलते हैं, बोलना तो हर आदमी को आसान है, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन करके दिखाओ। करने का आएगा, बोलने का तो सबको आता है, क्या ये थोड़ी कोई स्टैम्प के ऊपर लिख के देने का आएगा? कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो ये क्या, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में, हम तो सब इन्होंने ही बसाया क्या हिंदुस्तान? अच्छा, हिंदुस्तान आने के बाद 10 साल में ही बसा सब हिंदुस्तान। अच्छा, क्या ये LIC था, BSNL था, रेलवे सब बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये क्यों बेचना पड़ता है ये क्यों बेचते हैं? अभी छेले खेती के ऊपर आया था, तो खेती जब तुम बेच दोगे तो गरीब आदमी खाएगा क्या? 500 रुपये आटा हो जाएगा तो भी गरीब आदमी को लेना पड़ेगा। सम्मान निधि भी तो मिली है 2000 रुपये किसानों को, सम्मान निधि भी तो मिली है। तो 2000 रुपये में होता क्या है? दूसरी सब चीज़ों में तुम भाव बढ़ा रहे हो, खातर में भाव बढ़ा रहे हो, सब मटेरियल में भाव बढ़ा रहे हो, तो उसको क्या फ़ायदा है? 200 दे के 500 बढ़ा रहे हो, 200 दे के 2000 दे के 10000 रुपये बढ़ा रहे हो, तो फ़ायदा क्या आएगा? इधर कम करते हो और इधर ज़्यादा करते हो तो फ़ायदा क्या आएगा? सारे रास्तों पब्लिक को नुकसान ही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी लगातार दावा कर रही है, झाड़ू वाले पार्टी है वो, स्किट पार्टी है, बी पार्टी है। अच्छा, हाँ, आम आदमी बी पार्टी है। हाँ, बी पार्टी है, लिख लो, मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, RSS का माना से तुम। अच्छा, हाँ, ये तो अब इनकी हवा खराब हुई है तो ये साथ में लाएंगे इसके लिए। नहीं, वो तो कहते हैं टक्कर हमारी है, वो टक्कर बोलने का है, वो भी पक्का RSS का माना से। अच्छा, हाँ, उसका भी इतिहास लग रहा है फिर क्या? कौन आम आदमी को कुछ लग रहा है क्या? कुछ भी लगेगा, आएगा सीट ये कांग्रेस को साफ करके ना उसको विरोध पक्ष में लाने का। दिल्ली मॉडल हम गुजरात में लाएंगे क्या? कुछ भी नहीं हो, दिल्ली में भी सब परेशान है। अच्छा, कोई सुखी नहीं है, वो तो दूर से सब बोलते ही है, लेकिन वहाँ जो रहते हैं उनको जाके पूछो।
वहाँ कोई सुख नहीं है? सुख नहीं है, सब जगह है जी, रुके हुए हमें देखे। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अच्छा लगता है आमचंद्र पट्टी आएगा। आम कौन सी पट्टी? वो झाड़ू वाला जो पार्टी है ना। अच्छा वही आएगा लगता है। चाचा मना कर रहे, कह रहे बीजेपी की भी पार्टी है। चाचा जी ये कह रहे हैं हम लिख के देगा तुमको, इसको आ जाने दो, फिर तुम मेरी बात लिख के रखना। ये आ जावे झाड़ू वाला, फिर तुम बोलना कि ये है कि नहीं। दोनों आर एस एस के मानस है। बोले तुम यहाँ का मुख्यमंत्री बनो, हम वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा। दोनों ने समझौता करे लाएगा। अच्छा। क्या मिलीजुली सरकार लग रही है? मिलीजुली सरकार, ये कांग्रेस को साफ करने के लिए इसको लाएंगे यहाँ के। क्या कांग्रेस में खतरा है? कांग्रेस को साफ करी ऐसे पंजाब में साफ करी, अब गुजरात के अंदर कांग्रेस को साफ करने का प्लान हैगा। इनका प्लान वही हैगा, मिली जुली मिली जुली सरकारी है। अच्छा। मुस्लिम लोगों ने कहते हैं गुजरात मॉडल, दूसरे स्टेट में जाके कहते हैं गुजरात मॉडल हम बनाएंगे। बोलते हैं बोलने को तो क्या होता है, बोलने में सड़क पानी रोड सब कुछ, सब कौमवाद की बात करते हैं। अभी 20 साल पहले की बात अभी इन्होंने की, अमित शाह कह रहा है गोदरे के अंदर क्या हुआ, वहाँ के क्या हुआ। अरे भाई उसकी बात क्या करता है, तो जो बात करने की वो बात करो ना, पब्लिक का जो प्रश्न है उसकी बात करो, है कौमवाद की बात काहे को करते हो तुम बीच के अंदर। चलिए मैं भैया जी से भी बात करता हूँ, बताइए क्या बता रहे, कैसा 27 साल से बीजेपी है गुजरात में, कामकाज कैसे हुए? कामकाज तो कुछ नहीं है, हम लोग आज छोरी का काम करता हूँ 5 साल से। इधर 5 साल से इधर आ जाइए, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, थोड़ा इधर खड़े होते हैं हम लोग। आजिए भाई आजिए। बोलो हाँ, आप बताइए क्या बता। हम लोग सोनी का काम करता हूँ। किसका जी का? सोने का। आई 5 साल से तो कुछ काम धंधा नहीं है। हाँ। ऐसे ही चलता है। बीजेपी सरकार तो कह रही है लगातार हमने काम किया है, गुजरात मॉडल अदर स्टेटों में भी दिखा रही है। कुछ नहीं है पूरा। अच्छा। 5 साल तो पूरा हम बेकार हूँ। अच्छा काम काज एकदम नहीं है सोनी का लाइन में। अच्छा अच्छा कांग्रेस सरकार है। 22 साल से काम करता हूँ, पहले बार ऐसे दिया लिया कम नहीं है। अच्छा कांग्रेस सरकार भी वादे कर रही है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और युवा इलाज भी मुफ्त देंगे गरीबों को, तो उस पर कितना भरोसा है? भरोसा है कांग्रेस पे। हाँ। तो रोजगार देने को कह रही है। अब 1100 रुपए का सिलेंडर आप अभी ले रहे हो, हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर 500 का कर देंगे। हाँ 500 400 था ना, कांग्रेस जब था 400 का ही था। अच्छा रेट भी बढ़ा ना, सैलरी बढ़ी नहीं है। हाँ। जिससे महंगाई बढ़ेगी इससे सैलरी भी बढ़ने वाली है। सैलरी भी बढ़ रही है, कामकाज भी इतना बढ़ रहा है। अच्छा कामकाज कुछ नहीं है। एक मिनट भैया, कामकाज तो कुछ नहीं है आज 5 साल से, जब से नोटबंदी हुआ ना, जब से नोटबंदी हुआ कुछ भी नहीं है धंधा। चाचा रुकिए यही बात करते हैं। हाँ बताइए आप। जब से नोटबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ। हाँ। लॉकडाउन में तो खाने का भूखा हो गया था हम लोग। अच्छा। लास्ट में क्या किया ना कांग्रेस, तो जब मैं पहले गुजरात में आया था तब ना रात को 2 बजे तक काम करके गया इधर से, कुछ दिक्कत नहीं था। और अब अभी तो बहुत दिक्कत है, 12 बजे तो बंद करो। बीजेपी है ना, पहले भी बीजेपी थी, अभी भी बीजेपी है। अच्छा आम आदमी पार्टी कैसे लग रही है गुजरात में, केजरीवाल जी को? आम आदमी पार्टी अभी नया है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जनता पसंद करेगी हमें। तो पसंद करेगी तो अच्छा बात है ना। अच्छा अच्छी बात है ना। चलिए आप क्या बता रहे हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे हम गुजरात की जनता से बात कर रहे थे, अभी लालगंज मार्केट में मौजूद है और हमने लोगों से बात किया और क्या क्या मुद्दे रहने वाले इस बार, किन किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं और इस बार गुजरात इलेक्शन में क्या होने वाला है। हाँ भैया जी बताइए, रुकिए चलिए